फाइंड फॉर जीके पर जीके पढ़ने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि ऐसी वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। वेलकम फाइंडर्स, आप देख रहे हैं फाइंड फॉर जीके। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ब्रह्मांड क्या है, व्हाट इज यूनिवर्स। अगर आप भी इस वीडियो में इंटरेस्टेड है तो इसे कंप्लीट जरूर देखें। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि ऐसे वीडियोज़ आपको हमेशा मिलते रहे। और आप हमारे जीके के ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिवर्स को ही हिंदी में ब्रह्मांड कहते हैं। यूनिवर्स एक लैटिन शब्द यूनिवर्सस से आया है। अंतरिक्ष, समय, ग्रह, तारे, आकाशगंगा, तत्व, ऊर्जा इत्यादि तथा इन सभी में उपलब्ध तमाम तत्वों को ही एक साथ ब्रह्मांड कहा जाता है। ये सभी ब्रह्मांड का ही हिस्सा हैं। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि आज तक पूरा अध्ययन हो ही नहीं पाया। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड के बारे में अभी तक महज 1% ही जाना जा सका है। ब्रह्मांड अनंत है, इसका अंत क्या है और इसमें क्या क्या रहस्य छुपे हैं यह आज तक 2% भी नहीं समझा जा सका है। मूल रूप से ब्रह्मांड में कुछ समझा जा सका है वह महज कुछ ही तारे और ग्रह हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि ब्रह्मांड में ऊर्जा का असीमित भंडार है, लेकिन मनुष्यों की पहुंच आज तक नहीं हो पाई है। इसी तरह ब्रह्मांड में अन्य शक्तियों के होने की भी बात कही जाती है, लेकिन उन शक्तियों तक भी विज्ञान नहीं जा सका है। इतना ही नहीं, विज्ञान के पास आज तक इसका कोई जवाब नहीं है कि ब्रह्मांड के अन्य हिस्सों में दूसरी दुनिया भी है या नहीं। ब्रह्मांड के शुरुआत में कहा जाता है कि यहाँ बिग बैंग की घटना के बाद यह अस्तित्व में आया था, लेकिन उससे पहले क्या था यह भी आज तक नहीं समझा जा सका है। ब्रह्मांड क्या है इसे और गहराई से समझने के लिए आज तक शोध कार्य किए जा रहे हैं। वैज्ञानिकों का मत है कि न तो ब्रह्मांड को पूरी तरह पहले समझा गया है, न अब समझा जा सका है और न ही इसे पूरी तरह कभी समझा जा सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना ब्रह्मांड क्या है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।